आज हम बात करेंगे ब्लाइंड लूप सिंड्रोम के बारे में। ये कैसे होता है, इसका सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। ब्लाइंड लूप सिंड्रोम अकर्स व्हेन द फूड डज नॉट मूव नॉर्मली थ्रू अ सेक्शन ऑफ योर इंटेस्टाइन ड्यूरिंग डाइजेशन। खाना खाने के बाद जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उस टाइम में जो आंत में होता है खाना, वो मूव नहीं करता है, जाके कहीं स्टक हो जाता है, उसी को ब्लाइंड लूप सिंड्रोम बोला जाता है। स्टैगनेंट फूड कैन लीड द बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ इन योर गॉट। वहीं रुका हुआ खाना बाद में बैक्टीरियल ग्रोथ कराता है हमारे इंटेस्टाइन में। ब्लाइंड लूप सिंड्रोम को स्टैटिस और स्टैगनेंट लूप सिंड्रोम भी बोलते हैं। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन इन पीपल हु हैड अ जीआई सर्जरी। जिसका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सर्जरी हुआ है उसमें खास करके ये कॉमन होता है, जैसे कोलेक्टोमी, स्मॉल बॉल रिसेक्शन, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। इट इज़ ऑल्सो भी कॉम्प्लिकेशन ऑफ जीआई डिजीज लाइक सेलियक डिजीज, गैस्ट्रोपैरेसिस, क्रोन्स डिजीज, डाइवर्टिकुलर डिजीज, इंटेस्टिनल एडेशन, स्कार टिश्यू, इन्फ्लामेटरी बॉल सिंड्रोम, पीयूडी, पेप्टिक अल्सर डिजीज। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज रेयर, जैसे डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, एस्टेटोरिया, एनेमिया में मेगालोब्लास्टिक एनेमिया, वेट लॉस, मल्टीपल विटामिन डेफिशियंसी, विटामिन B12 मेनली, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, एबडोमिनल पेन, ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। ट्रीटमेंट में, मेडिकल ट्रीटमेंट में टेट्रासाइक्लिन, IM इंजेक्शन विटामिन B12, बट लेस इफेक्टिव। सर्जिकल करेक्शन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है।